9.4 धातु कर्म मेटलर्जी। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म मेटलर्जी या धातु का निष्कर्षण कहलाती है। धातु कर्म के तीन चरण होते हैं। पहला, अयस्क का सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा, धातु का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तीसरा, धातु का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। भिन्न भिन्न धातुओं के अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। आइए इसे समझें। 9.4.1 अयस्क का सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे अधात्री या गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है। इसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। आइए अयस्क के सांद्रण की कुछ सामान्य विधियों के बारे में जानें। पहला, गुरुत्व पृथक्करण विधि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। जब अयस्क तथा अधात्री के आपेक्षिक घनत्वों में अंतर होता है तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है अथवा ये पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाती हैं। चित्र 3। प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। दूसरा, चुंबकीय पृथक्करण विधि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। अचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते ही गिर जाते हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार दो ढेर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। चित्र 4। इस विधि का उपयोग टिन के अयस्क SNO2 में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने हेतु किया जाता है। तीसरा, झाग उत्प्लावन विधि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में बारीक पिसे सल्फाइड अयस्क में पाइन तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जिस कारण झाग उत्पन्न होती है। सल्फाइड अयस्क के कणों पर तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह कण हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आते हैं, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसी अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। चित्र 5। छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपस्थित है। पता कीजिए इन अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। 9.4.2 धातु का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। धातु के निष्कर्षण की विधि धातु की सक्रियता तथा अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती है। क, हम जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातुओं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आदि को उनके यौगिकों से तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है। इन यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन, कैटायन, ऋणायन, एनायन से अलग होकर कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाते हैं तथा धातु प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एल्युमिनियम को भी इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सारणी 5। ख, मध्यम और निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुछ कम या निम्न सक्रिय धातु जैसे पारा को उसके ऑक्साइड या सल्फाइड से केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। अन्य धातुओं के सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के लिए दो प्रमुख पदों का उपयोग किया जाता है,
जिससे अयस्क से धातु का अपचयन सरलता से हो सके। 9.4.2.1 धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधियां उसमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करती हैं। पहला, सांद्रित सल्फाइड अयस्क को जब वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम तक गर्म किया जाता है, तब यह प्रक्रिया भर्जन रोस्टिंग कहलाती है। इस क्रिया में अशुद्धियां वाष्पित हो जाती हैं, जिस कारण धातु के यौगिक के अपचयन में सरलता होती है। भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। ट्वाइस ZnS प्लस थ्राइस O2 गर्म करने पर ट्वाइस ZnO प्लस ट्वाइस SO2 गैस। दूसरा, सांद्रित अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कैल्सिनेशन कहते हैं। यह विधि कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है। ZnCO3 गर्म करने पर ZnO प्लस CO2 गैस। कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करने पर वे विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं तथा धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। 9.4.2.2 धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन। अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। धातु ऑक्साइड को अपचायक तथा गालक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तब धातु द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को प्रगलन स्मेल्टिंग कहते हैं। गालक सरलता से न पिघलने वाली अशुद्धियों को हटाने में सहायता करते हैं। प्रगलन प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है। पहला, कार्बन अपचयन विधि, कार्बन रिडक्शन मेथड। भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक या कार्बन के साथ वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उच्च ताप 700 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे धातु अपचयित होकर पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। ZnO प्लस C गर्म करने पर Zn प्लस CO गैस। दूसरा, रासायनिक अपचयन विधि, केमिकल रिडक्शन मेथड। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। इस सिद्धांत का उपयोग कर विस्थापन विधि द्वारा धातु को पृथक किया जाता है। हमने पूर्व में देखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन या जिंक चूर्ण डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है। CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। क्या आप जानते हैं इस विधि द्वारा किन किन धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है?